संसद में गतिरोध अब भी जारी है। सोमवार को सरकार जीएसटी बिल राज्यसभा में पेश कर सकती है। ऐसे में संसद में जारी गतिरोध और जीएसटी बिल का विरोध करने वाली कांग्रेस का रुख क्या होगा, इसी पर कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला से हमारे संवाददाता आशुतोष भाटिया ने खास बातचीत की। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सदन में लगातार कार्यवाही स्थगित होती रही है। राजीव जी, सोमवार से जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो क्या कांग्रेस का रुख बदला हुआ होगा? क्या कांग्रेस ये चाहेगी कि प्रश्नकाल, शून्यकाल और बाकी जो लेजिस्लेटिव बिजनेस है वो होने पाए? देखिए, हम तो हमेशा चाहते हैं कि संसद चले। ये सरकार के ऊपर है कि उसका क्या एजेंडा रहता है, कि वो क्या एजेंडा सामने लाती है। अगर विपक्ष को ये समझ में आता है कि वो एजेंडा उचित नहीं है तो फिर चलना मुश्किल होता है, और अगर विपक्ष को सहमति से लेके, जैसे कि पहले होता रहा है, अगर वो चलाते हैं तो चलेगी। तो इसी चीज पे निर्भर करता है कि सरकार का रुख क्या होगा। नहीं, लेकिन ये बात तो उपसभापति जी ने भी कही है कि ह्यूमंस हाउल नहीं करते हैं, जबकि आप हाउलिंग करना शुरू कर देते हैं वहां पर, तो हंगामा तो कांग्रेस नहीं है। वो बोलते हैं नो, वो नो बोलते हैं। जब कोई उधर से बिजनेस शुरू होता है तो उसको नो बोलते हैं, उसमें हाउलिंग नहीं है। तो अब क्या जीएसटी बिल पर सरकार अगर आगे बिल पर तीन बिंदु कांग्रेस ने रखे हैं, तीन बिंदुओं पर सरकार सहमत हो जाए और बातचीत शुरू करे तो आगे का रास्ता बन सकता है, लेकिन पहले सरकार की तरफ से कोई इनिशिएटिव आवे। अभी एक नई चीज सामने आई है, आपने सदन में हंगामा जो किया उसके लिए, कार्यवाही जो नहीं हुई उसके लिए कहा कि साहब ये नेशनल हेराल्ड इश्यू पर नहीं हो रहा है, ये नई बात थी। ये शुरू से डे वन से नेशनल हेराल्ड की बात ही नहीं की गई, शुरू से ये कहा गया कि जो एक पार्टिजन रवैया है, दलगत रवैया है सरकार का, उसको लेके है कि जो विपक्ष के लोग हैं उनको तो वो तंग हो रहे हैं और सत्ता पक्ष के लोगों पे निगाहें आंखें मूंदे हुई हैं, उसको लेके शुरू से विरोध था। तो अब शर्त क्या होगी कि सदन की कार्यवाही चल पाए? अगर मैं आपसे ये पूछूं, सरकार को जो एजेंडा लाना है, सरकार को जो यह है, विपक्ष की सहमति से हो तभी चल पाएगा। तो क्या सहमति किस बात में करे? मतलब नहीं, जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी मुद्दे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री के खिलाफ, जितने भी मुद्दे हैं सरकार को उन पर स्पष्ट करके रखना पड़ेगा। हम तो संसद चलाना चाहते हैं। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि सरकार का रुख मेलजोल वाला नहीं है। खास बात यह है कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इस बात को अब रियलाइज किया है कि नेशनल हेराल्ड के मसले पर संसद को ठप करना उचित नहीं होगा, इससे जनता में, मतदाताओं में बेहतर मैसेज नहीं जा रहा है, और इसीलिए कांग्रेस के रुख में अब ये परिवर्तन आया है। वो स्पष्ट तौर पर कह रही है कि संसद की कार्यवाही अगर लगातार ठप हुई है तो उसका कारण नेशनल हेराल्ड नहीं है बल्कि सरकार का रुख है। इस समय संसद भवन से कैमरामैन देव मेहरा के साथ आशुतोष भाटिया।